अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक विद दैनदर ब्लॉग। पिछले ब्लॉग में हमने आपको बताया था कि हमारे कुछ कबूतर ऊपर भी हैं, वो हमने आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि हम फिंचेस का पानी वगैरह चेंज करने लग पड़े थे, तो बाजरा वगैरह। तो इंशाल्लाह आज आप ऊपर का नज़ारा भी दिखाएंगे, और पहले हम फिंचेस वगैरह और लव बर्ड्स के पानी वगैरह चेंज करते हैं। और कल का हमने बॉक्स भी लगा दिया हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे, और बॉक्स क्यों लगाया ये भी बता देंगे, क्योंकि जो है ना ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह वो बॉक्स में, तो दिखाते हैं इंशाल्लाह जी। ये रहे हमारे कबूतर ऊपर वाले, और फ़िलहाल पहले हम चेंज करते हैं पानी इनका फिंचेस का और हमारे डॉन साहब का जी। तो ये हमने बॉक्स लगा दिया था क्योंकि ये अब चूंचे लगाना शुरू कर दिए हैं, जब तक तो ये चूंचे नहीं ना लगाते तो ये ब्रीड के लिए तैयार नहीं होते, अंडे शंडे के लिए दाना वगैरह इनका अभी है, पानी चेंज कर देते हैं। तो इनका भी पानी चेंज कर दें, बाजरा वगैरह इसका पड़ा हुआ है। और ये हमारे डॉन साहब इधर उधर घूम रहे हैं, अभी उड़ ही ना जाए, ओए तमीज से। ये तो पानी निकल चुका है, ये हमारा, ये हमने चने भिगोए हुए थे, ये बड़े शौक से खाते हैं, इनकी जड़ें वगैरह निकाल दें, लगे इसको भिगो के रखें दो तीन दिन, इसका पानी चेंज करते रहें तो इनकी जड़ें निकल जाती हैं, तो पानी हम निकाल देते हैं इसका। अब ये सूख जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसका फिर पानी चेंज करेंगे, और इसमें डालेंगे लोबिया और वाइट चने भी डालेंगे, इसके बाद इनकी जो जड़ें हैं ना वो निकलेंगी और नरम हो जाएंगे। ये बड़े शौक से खाते हैं हमारे फिशर लवबर्ड जो हैं, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुराक की ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर आपने तेज़ी से ब्रीड करवानी है, ब्रीड करवा के अगर आपने बच्चे जल्दी जो बड़े करने हैं, ये फीड होती है 14 नंबर, ये कबूतरों को ज़्यादातर डाली जाती है। और एक दफ़ा तो मैंने इनको भी ट्राई की थी बिजिस पे, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स पे, अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो चले अब पानी चेंज करते हैं जी। तो उसी तरह हमने इसको साफ़ करना है जो उसकी रूटीन के हिसाब से, और ऐसे ही साफ ही थे, ज़रा हाथ वगैरह एक दफ़ा बंदा मार ले बेहतर होता है। इसको हम धूप में रख लेते हैं। ये हमने गंदम रखी हुई है, ये भी पड़ी हुई है, ये जरासीम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं इसकी वजह इससे। और ये हमारे कुछ बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ वापस अपनी घरों में चले गए हैं, ये इधर रखते हैं और उतनी देर देखते हैं ऊपर के जी। तो ये हमारे ऊपर वाले कबूतर हैं, कुछ फ्लाई के लिए ऊपर छोड़े हुए हैं, घर के जो होते हैं वफादार, और अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। ये जी हमारे कबूतर, ये छोटा सा अंदर बॉक्स कमरा बनाया हुआ है,
इसमें अंडे वगैरह दे देते हैं। माशाल्लाह से अंडे वगैरह सिर्फ मुझे लगता है इसने दिए हुए हैं अभी जी। फिलहाल तो उसके ही अंडे मुझे नज़र आए हैं, ये देखें जी। तो ये पकड़ा मैंने, ये सफ़ेद आँख है इसकी, ये जो है ना होते हैं सील, हम सील अपनी ज़ुबान में कहते हैं इनको, तो कुछ में इनमें होते हैं रेड आइज़ भी होते हैं ब्राउन आइज में, तो इनकी उड़ान अच्छी होती है इसलिए ये रखे हुए हैं। ये एक और पड़ा हुआ है, ये देखिए ना इसकी आँख और है, तो कुछ टैडी हैं कुछ वो हैं सील हैं, और बाकी ये कांप रहा है, इसकी टांगें कांप रही हैं, कांपे टांग रही हैं, नहाया हुआ है, यहाँ पानी ज़्यादा देते हैं ना जब, तो ये बड़े खुश होते हैं नहाते वगैरह जी। तो अब मैं नीचे आ गया हूँ, इस बेचारे को लकवा हो गया है, उल्टा सीधा देख रहा है, तो मैं आपको इनकी पहचान, एक तो आंख से होती है इनकी पहचान, दूसरी पहचान होती है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये जो उनसे होते हैं ना पर इनके लास्ट पे तीन हो चार हो, जिनके ज़्यादा हो उनकी उड़ान ज़्यादा होती है, तो देखते हैं और किनके है कि नहीं। ये देखें ये पकड़ा एक, ये देखें एक दो तीन चार, इसकी उड़ान सही है, ये लास्ट पे जो होते हैं ना इधर से देखा जाता है जी। तो ये सूख गई हैं, इसमें पानी भर देते हैं, इसमें दवाई डालनी है आपने फ्लैजल, ये रेशे वगैरह को ख़त्म करती है, और इसको हम इसके ज़रिए डालेंगे ये हमारी पीनी उल्टी हो गई है और टूट गई है जी। तो हमने ये 5 cc भर ली है, और इसके 2 ड्रॉप्स इसमें डाल देने हैं, 2 इसमें डाल देने हैं, इस तरह ही आपने 5 cc जो है ना तीनों में डालना है, और इसमें पानी भर देना है आपने, और फिर आपने रख देना है। इसके जरासीम वगैरह ना जल्दी मर जाते हैं, ये लें जी आपका, आप परेशान ना हो डॉन साहब। और ये फिंचिस, फिंचिस हमारी सबसे प्यारी, इनका हर दफ़ा अटक जाता है पिंजरा, ये लें जी ये इनको डाल दिया। अब हमारे रह गए ये रह गए, ये रह गए हैं, अब इनका पानी ज़रा ज़्यादा है, इनको बड़े प्यार से देख के करना पड़ता है। ये हमारी बाकी की मेडिसिन पड़ी हुई है जो वाले साहब ने रखी हुई हैं, ज़्यादा ध्यान वो कबूतरों का वही रखते हैं, तो उनका ही शौक है, मेरा शौक नहीं है। ये हमारा इसको अब सूखने के लिए रख देते हैं चनों को, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और नई वाली आने वाली वीडियो को ना आप देख सकें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होती है मुलाकात, दुआओं में याद रखें, शुक्रिया।